हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अमेजिंग वर्ल्ड। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये सकुलेंट प्लांट सीडम है, सीडम फायर स्टॉर्म। ये बहुत ही कलरफुल सकुलेंट्स होते हैं फ्रेंड्स, और ये देखिए, ये बहुत आई कैचिंग प्लांट होते हैं। इतना इसका रेड शेडेड जो इसका कलर है, ये बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। और आज मैं आपको ये इसके केयर और ये जो कलर है फ्रेंड्स, आप ऐसे इसका कलर कैसे बरकरार रख सकते हैं और कलर कैसे आप कर सकते हैं ऐसे लाल रह सकता है कलरफुल प्लांट्स, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊँगी। तो फ्रेंड्स, ये एक्चुअल में दो ऑर्डर किया था मैंने, ये देखिए, एक ये दूसरा प्लांट से मेरे, और इसमें काफ़ी सारे, इसमें आप देख सकते हैं इसका प्लांट्स को जो एकदम बड्स में भरे पड़े हुए हैं, और ये बहुत सारे प्लांट्स एक साथ है इसमें। तो फ्रेंड्स, मैं आज इसका केयर और इसको कैसे आप सेपरेट कर सकते हैं उसके बारे में बताऊंगी, प्रोपोगेशन के बारे में बताऊंगी कि आप इसको कैसे एक से बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हैं और ऐसे कैसे इनको कलरफुल रख सकते हैं उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, ये मैंने कुछ टाइम पहले अभी ऑर्डर किया था, ये बहुत ही सुंदर प्लांट्स है, आप देख सकते हैं सकुलेंट्स प्लांट्स, और इनका केयर भी बहुत इजी होते हैं, इनको ज़्यादा वाटरिंग की ज़रूरत नहीं होती है। जब इसका सॉइल ड्राई हो जाए तभी आप इसको वाटरिंग करें, क्योंकि हर जगह पे क्लाइमेट जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, तो इसका कोई मेंटेन ऐसे नहीं है कि आप दो दिन तीन दिन बाद इसको पानी देंगे। जब आप देखेंगे आपके प्लांट्स के जो पॉट के सॉयल है वो ड्राई हो रहे हैं, तो तभी आप वाटरिंग कीजिए। ओवर वाटर से आपके सकुलेंट्स प्लांट्स मर सकते हैं, इसी वजह से इनको ज़्यादा पानी मत दीजिए। आइए फ्रेंड्स, मैं आप इनको सेपरेट करके आपको दिखाती हूँ कि कैसे आपको सेपरेट करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं अपने पॉट से पूरा मैं अपने प्लांट्स को निकाल लिया है, और इसके पहले निकालने से पहले मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाला था ताकि जो इसका सॉइल है वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए और इनके रूटिंग अच्छे से सॉइल से बिना डैमेज हुए इसका जो रूटिंग है वो अच्छे से सेपरेट हो जाए, इसी वजह से मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला था। और अब ये इजीली फ्रेंड्स आप सेपरेट कर सकते हैं, तो इसी वजह से मैंने ये देखिए पानी डाला था ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए सॉइल, और ऐसे आराम से आप इसको सेपरेट कर सकते हैं। ये देखिए, इसमें बहुत सारे रूटिंग हैं, काफ़ी हेल्थी प्लांट है फ्रेंड्स है। और आप ये क्योंकि मेरे पास है एक पॉट में भरा हुआ है, तो मैं चाह रही हूँ कि इसको सेपरेट करके मैं अलग अलग पॉट में लगाऊँ ताकि ये मेरी जो प्लांट्स है वो ज़्यादा डेवलप हो सके और बहुत सारे मेरे पास प्लांट्स बन जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पहले धीरे धीरे करके मैं सॉइल को हटाऊँगी और इनको आराम से मैं ऐसे सेपरेट कर लूँगी। ये देखिए बहुत इजी होती है, आप एक हाथ से ही इसको आराम से इसको सेपरेट कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इसके साथ वैसे छोटा भी एक और प्लांट आ गया है, इसको भी मैं सेपरेट कर लूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसे करके मैंने इसको भी अलग कर लिया है। ये एक्चुअल में फ्रेंड्स, आप इसको इजीली कहीं से भी इसका लीव्स की भी प्रोपोगेशन कर सकते हैं, और लीव्स को तोड़ के भी इसको आप सॉइल में लगा के प्रोपोगेशन कर सकते हैं, इसमें रूटिंग बहुत इजीली हो जाती है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें ऐसे ही काट के ये लगा हुआ है, हुआ था, जिससे ये रूटिंग स्टार्ट हो गई है। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, सब अलग अलग एक प्लांट्स बन गया। तो इसी सब से फ्रेंड्स, आप अपने सकुलेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं और इनको और प्रोपोगेशन कर सकते हैं। ये जो लीव्स है इनका, ये भी आप सॉइल में लगा के फ्रेंड्स इसको प्रोपोगेट कर सकते हैं। वैसे लीव्स प्रोपोगेशन के लिए मैंने अलग वीडियो बनाया हुआ है, आप अगर देखना चाहते हैं तो मेरी वो वीडियो देख सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इनको सेपरेट कर लिया है, और फ्रेंड्स इनको आप ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं होती है, हर दो तीन महीने के बाद आप हल्का इसमें NPK 2020 जो है वो पानी में मिक्स करके हल्का हल्का इसमें पॉट में डाल सकते हैं, तो आपके सकुलेंट्स प्लांट्स के ग्रोथ भी अच्छा रहते हैं और हेल्थी रहती हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने बहुत सारे इसमें सेपरेट कर लिया है, ये देख सकते हैं आप, और ये मैं अभी अलग अलग पॉट में इनको लगाऊंगी ताकि काफ़ी सारा प्लांट्स मेरे बन जाए।
और असल में ये मैं अपने फ्रेंड्स को भी गिफ्ट करती हूँ, रिलेटिव्स को भी गिफ्ट करती हूँ, और ज़्यादा प्लांट्स मुझे अच्छे लगते हैं। इनको मैं आइए पॉट में लगा लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इनको पॉट में लगा लिया है। और आप इसके कलर कैसे ऐसे चेंज कर सकते हैं उसके बारे में मैं बताऊंगी कि ये जो थोड़ा जो ग्रीन शेडेड प्लांट है फ्रेंड्स, इनको आप विंटर के ये जो सीज़न स्टार्ट हो रही है इसमें आप बाहर सनलाइट में रख दीजिए, और रात को भी इनको बाहर रखिए ताकि इनके ऊपर जो ठंड के धुंध होती हैं, ड्यू होती है या फॉग होते हैं वो इनके ऊपर गिरेंगे, और सुबह इनके ऊपर सनलाइट लगेंगे तो आपके ये सकुलेंट्स का कलर चेंज हो जाएगा। ऐसे आप रेड कलर का सकुलेंट्स कलरफुल रख सकते हैं, बना सकते हैं। तो कोई भी ग्रीन कलर के जो सकुलेंट्स हो ज़्यादातर उनको विंटर में कलर इनकी चेंज हो जाती हैं, तो आप इनको डायरेक्ट सनलाइट पे इनको रखिए और इनके ऊपर हल्का हल्का स्प्रे करिए पानी का, तो आपके सकुलेंट्स के कलर चेंज हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो न्यू व्यूअर है प्लीज़ वो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू, बाय।